अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाहिद हुसैन छिपा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ एक बहुत शानदार खुशखबरी के साथ। वो खुशखबरी ये है कि गूगल ने स्टाम 360 पर, यानी जो उसका प्ले स्टोर पर हमारी ऐप मौजूद है, उस पर 5 मिलियन प्लस का टैग लगा दिया। यानी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एंड्रॉयड पर जो हमारे यूज़र्स की तादाद है वो 50 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। नाज़रीन, प्ले स्टोर के ऊपर जो लाखों ऐप्स मौजूद हैं, तो विकिपीडिया के मुताबिक उसमें सिर्फ 4,800 ऐसी ऐप हैं जो कि 5 बिलियन प्लस को क्रॉस करती हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 360 शामिल है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 5 मिलियन प्लस के टैग के साथ जो एप्लीकेशन, यानी 50 लाख से यूज़र से ज़्यादा की जो एप्लीकेशन मौजूद हैं, उनकी तादाद कोई सिर्फ 10 के करीब ही है, तो उसमें इस्लाम 360 शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और एक बहुत अहम बात कि 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एक हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें ऑडियो की रिक्वेस्ट मौसूल हुई हैं, जिससे लोग ऑडियो कुरान मजीद सुनते हैं या हदीस सुनते हैं, ये जो रिक्वेस्ट हमें रिसीव हुई हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 25 करोड़ से ज़्यादा हैं, जो कि दुनिया के 233 ममालिक से हमें रिसीव हो रही हैं। तो ये आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का और चाहतों का और इस्लाम 360 को इस्तेमाल करने का, जो आप तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने आज हमें इस मकाम तक पहुंचाया है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऐप बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं अपनी टीम से भी आपको मिलवाऊंगा कि जो हमारी टीम जो इसके लिए अनथक मेहनत करती है, कोशिशें करती हैं, तो आज उन तमाम लोगों से भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा जो कि इस्लाम 360 को बनाने में पेश रहे हैं। पहले मुलाकात करते हैं हमारे एंड्रॉयड के टीम लीड नोमान नूर से। नुमान नूर हमारे साथ 5 सालों से वाबस्ता है। आज इस्लाम 360 को आप जिस मकाम पर देखते हैं और जिस एंड्रॉयड ऐप को आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें डे वन से, यानी ज़ीरो से, स्क्रैच से जो स्टार्ट करने वाले शाह साहब थे, वो थे हमारे नुमान नूर। 5 सालों से हमारे साथ वाबस्ता है। माशाल्लाह हाफिज़े कुरान भी हैं। उसके साथ साथ जो इस्लाम 360 में उन्होंने कहा रहा है, नुमाइन जान दी है, वो आपके सामने उसका जी जागता और मुँह बोलता सबूत है। आइए अब मिलते हैं अम्मार अली से। अम्मार अली, जो आज ये आप यूआई के इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं ना कॉस्मेटिक, जो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, जो खूबसूरतियाँ देख रहे हैं इस्लाम 360 में, वो मरहूने मन्नत हैं हमारे अम्मार अली के। अम्मार ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मार हमारे साथ 2 सालों से वाबस्ता हैं और 2 सालों में आपने देखा होगा कि जो इम्प्रूवमेंट आई हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। उसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हैं हमज़ा ज़ुबैर। हमज़ा हमारे साथ 1 साल से वाबस्ता हैं और जो आप ये डे टू डे के ऑपरेशन देख रहे होते हैं, जो डे टू डे की आपकी कुछ चीज़ें आप हमें बता रहे होते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट करते हैं, फ़लाँ चीज़ें करते हैं, फ़लाँ चीज़ सही नहीं है, उसको सही डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने सही करके लेकर आते हैं, वो हैं हमारे हमज़ा ज़ुबैर। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ नवीद शेख से। नवीद शेख हमारे साथ इस्लाम 360 से गुज़िश्ता 4 सालों से वाबस्ता है और जो आप जितनी ऑडियो इस्लाम 360 में सुनते हैं, चाहे वो कुरान मजीद की हो, तिलावत की हो, या तफासीर की हो, या अहदीस मुबारका की, वो सारा का सारा सहरा जाता है नवीद शेख के साथ। नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा अब्दुल वहाब के बारे में। अब्दुल वहाब हमारे पास फ्रांस से हमारे साथ फ्रीलांस काम करते हैं और एंड्रॉयड फ़ोन पर और आईफोन के ऊपर जो ये वॉइस रिकग्निशन का काम है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, उस पर बहुत मेहनत की अब्दुल वहाब ने। तो आज जो आप इसको इस्तेमाल करते हैं और सराहते हैं, तो उसका भी सारा सहरा जाता है अब्दुल वहाब के साथ। नाज़रीन, ये हैं ज़ैनुल आबदीन। ज़ैन हमारे साथ काम करते हैं इस्लाम 360 के लिए जर्मनी से और जो आज सला ट्रैकर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस आईफोन के अंदर, वो बनाने वाले शख्स थे ज़ैनुल आबदीन। और बहुत सारी मेहनत हमारे लिए अगाए बगाए हमारी जो टेस्टिंग और तमाम चीज़ों के लिए जो हमें खिदमात देते रहते हैं, वो हैं ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, मिलिए मुनीबा मीर से। मुनीमा मीर हमारी आईओएस टीम की एक हिस्सा हैं और ये हमारे साथ शरीक होती हैं अमेरिका से। ये जो डे टू डे के सारे ऑपरेशंस और जो ये सारी इम्प्रूवमेंट आप देखती हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुनीबा उस पर काम कर। हमारी टीम में और भी लोग शामिल हैं, लेकिन कुछ लोग क्योंकि फ्रीलांस के तौर पर हमारे साथ काम करते हैं, तो वो मैं नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि वो दूसरी जगहों पर भी जॉब करते हैं। ये हैं हबीबुर रहमान, जो आप सोशल मीडिया पर कुरान मजीद और अहादीस मुबारका मुख्तलिफ पिक्चर्स के साथ देखते हैं और साथ साथ जो वीडियो कुरान आपके पास मौजूद है
उस पर हमारे साथ काम किया है हबीबुर रहमान ने। मैं और लोगों का भी नाम ले लूँ जो कि हमारे साथ गुज़िश्ता कोई तकरीबन 1 से 2 सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी डे टू डे के ऑपरेशन को देख रहे होते हैं, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं तहसीन, जो कि आप ये जो एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक करने का जो काम है, यानी जो गूगल हमें ऐड देता है तो उससे एक दिन पहले हमें गूगल ऐड दे देता है ताकि हम उसको ब्लॉक कर सकें, तो वो काम करते हैं हमारे साथ हमारे तहसीन का। इसके साथ मौजूद हैं हमारे हसनैन साबिर। हसनैन साबिर हमारे साथ ये जो आप कुरान मजीद की और अहादीस मुबारका की मुख्तलिफ तफासीर और ट्रांसलेशंस को देख रहे होते हैं, इन तमाम को यूनिकोड में कन्वर्ट कर कर और डेटाबेस की शक्ल में ढालने का जो काम कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं हसनैन साबिर। लीजिए आइए मिलते हैं इस्लाम 360 के सबसे नन्हे साथी से, जिनका नाम है अनसुर रहमान जाहिद। इस्लाम 360 में जो आप ये पोस्ट वगैरह देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो अनस उस पर भी काम करते हैं और प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह इस्लाम 360 के एक नए फीचर के साथ जो कि बनाया होगा अनस ने, जल्द ही मुलाकात होगी आपकी अनसुर रहमान जाहिद से, जो कि मेरे बेटे भी हैं। नाज़रीन, ये कहानी थी इस्लाम 360 की जो मैंने आज आपको मिलवाया इस्लाम 360 की टीम के साथ। नाज़रीन, उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस्लाम 360 को फाइनेंशियली और इखलाकी तौर पर सपोर्ट किया। अल्लाह ताला उनके माल को और उनके एफर्ट्स को कबूल फरमाए और उनके लिए और उनके वालिदैन के लिए इसको तोशाए आखरत बनाए। इस उम्मीद और अपनेपन के साथ कि आप इस वीडियो को भी शेयर करेंगे और इस्लाम 360 को भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दीगर अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दीजिए इजाज़त ज़ाहिद हुसैन छिपा को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।